अभी हम लोग आ चुके हैं मार्केट में, मार्केट नहीं थोड़ा डॉक्टर के पास। कुछ चीज़ जो है उनसे थोड़ा अजीब सा लग रहा था पेट, तो उसको दिखाने के लिए। और वो भी कहाँ पे आए हैं, तो MMU हॉस्पिटल में। और यहाँ पे गाड़ी भी बोल दी है धोने के लिए। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे राशिद बैठे हुए हैं, और इनका जो हेयर स्टाइल है वो हर बार की तरह इस बार भी कुछ चेंज किए हैं। तो ये हेयर स्टाइल ऐसा है कि बाल अभी आप झाड़े नहीं हैं। ये नॉर्मल हेयर स्टाइल ही है मेरा। इसमें वो ड्रायर भी यूज किए क्या? नहीं, बस इसमें क्रीम और सीरम लगाता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये हेयर स्टाइल आप लोग देखिए, हर ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो लोग मुझे पकड़ के बोलेंगे कि ये रे आगरा से भागा है क्या। तो ऐसा हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि ये हेयर स्टाइल अगर आप लेके जाएंगे सिवान में, तो आपको लोग कैसे ट्रीट करेंगे? सिवान में भी आजकल लोग वो भी समझ रहे हैं कि मॉडर्न में क्या था, सारे बोल रहे थे वाह भाई सही लग रहा है यार तू तो। और आप घर में पापा मम्मी समझेंगे कि ओ तो बस कौन बाल के कटाई ले रहा है। मतलब हम लोग की तरफ ना बहुत ज्यादा हंसी आता है। अगर मुझे धमकी मिलता था कि रात को आज काट देंगे, मैं दरवाजा लॉक करके सो जाता था, फिर सुबह में आराम से उठता था, कोई नहीं छेड़ता था। तो इस हेयर स्टाइल का कुछ तो नाम होगा, कर्ल, मेसी, फ्लॉपी। ये बेसिकली फ्लॉपी है, मैं कर्ल करवा रहा था लेकिन फ्लॉपी हो गया। तो ये गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं कि ऐसा हेयर स्टाइल अगर आपको चाहिए तो आपको लगभग कितना महीना लग गया करने में? बस 2000 कितना महीना? महीना नहीं, ये तो 5 घंटा लगेगा इसका प्रोसीजर होने में, और ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते, 2000 में कर देते हैं वो लोग। तो गाइस आप लोग कमेंट कीजिए कि मुझे भी ऐसा हेयर स्टाइल करना चाहिए या नहीं। मैं भी सोच रहा हूँ ऐसा ही कर लो कुछ। इसमें क्या है ना कि कंघी का भी झमेला नहीं रहता होगा ना? भाई कंघी का नहीं, लेकिन हेयर सीरम ये सब थोड़ा कॉस्टली आता है, तो इसका केयर करना थोड़ा। चलिए ठीक है, तो हेयर सीरम जो है ये सब आपको लगाना पड़ेगा। खैर सूर्यम का भी हेयर स्टाइल आप लोग देख सकते हैं कि कुछ इनका हेयर स्टाइल अलग है। अभी को गर्मी लग रहा है इसलिए सोच रहे हैं कब पंखा चलाए, थोड़ा सा हवा खाने को मिलेगा। खैर पंखा चलाया जाए और वीडियो में आप लोग बने रहिए। अभी हम लोग बैठे इसलिए हैं, गर्मी के वजह से ना चिपकते जा रहा है। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि कुछ इनके इन दोनों लोगों का कंबाइनेशन करवा के कुछ कर लूँ। अभी आगे से पीछे का मेरा ये आप आगे का उसका दे लो मैसेज। अभी यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं दवाई लेने की दुकान ही है, और ये है कुछ ऐसा नज़ारा जिसपे आप लोग को बता दें कि यहाँ पे कैश ही चलता है, ऑनलाइन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो मैंने बाहर से जाके उसको 30 रुपये दे दिए। अभी हम लोग दवा भी ले लिए, अब हम लोग जा रहे हैं अपना मस्त गाड़ी लेने के लिए। तो यहाँ पे अभी सुबह का टाइम हो चुका है और मैं नहा कर रेडी हो चुकी हूँ, लेकिन अब बारी है पूजा करने की। तो चलते हैं जल्दी से पूजा करते हैं, उसके बाद फिर नाश्ता क्या बनेगा वो आप सबके साथ हर एक चीज़ शेयर करेंगे। तो चलिए चलते हैं मंदिर की ओर। तो यहाँ पे चलते हैं मंदिर में पूजा करने के लिए। सबसे पहले तो यहाँ क्लीन करना पड़ेगा बर्तन, कपड़ा नहीं है क्या? तो गाइस भाभी कर रही है पूजा, देख सकते हो आप। प्रिंस भी अभी रेडी हो रहे हैं, नहा वगैरह लिए हैं, तो अभी कार वॉश करवाने जाना है, फिर से उनके साथ हॉस्पिटल भी जाना है। तो देखते हैं फिर।
यहाँ पे पूजा कर ली और अब आ गए किचन में ऊपर और चलते अब जल्दी से नाश्ता बनाते हैं। और नाश्ता में अभी मैं क्या बनाऊँगी वो सब चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे अभी मैं मंगाती हूँ दूध रिफाइंड और दही है, और यहाँ पे है क्या, आलू है और हरी मिर्च और धनिया पत्ता है। तो अब चलते जल्दी जल्दी आलू का भुजिया और पूरी बनाएंगे क्योंकि अभी हम लोग को कहीं जाना भी है। तो अभी चलते हैं, देखते हैं फ्रिज में क्या रखा हुआ है। तो फ्रिज में अभी पूरा सामान भरा हुआ है, तो अब चलते हैं जल्दी से, पहले भुजिया कट करते हैं उसके बाद फिर आप लोग से मिलते हैं। हे गाइस, तो अभी जा रहे हैं हम पूरी और कचौड़ी बनाने। तो यहाँ पे मैं आटा ले ली हूँ और इसमें डालूँगी थोड़ा सा अजवाइन और मंगरेला, ज़्यादा नहीं डालूँगी, हल्का हल्का ही। और थोड़ा सा मंगरेला डालेंगे। उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, ज़्यादा नहीं क्योंकि नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, तो थोड़ा सा ही डालेंगे। उसके बाद डालेंगे थोड़ा सा मैन, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। और इसको अच्छे से क्या करेंगे, मिला देंगे। और अब क्या करेंगे, इसमें पानी डालकर अच्छे से सान लेंगे। तो यहाँ पे अभी मैं आलू का भुजिया कट कर दी और यहाँ मैं कढ़ाई चढ़ाती हूँ गर्म होने के लिए। अब मैं इसमें क्या करती हूँ, तेल डालती हूँ। बाकी यहाँ पे फ़ौरन भी कट कर लिए हैं, तो चलते हैं जल्दी से इसको छौंका लगा देते हैं। फिर यहाँ पे मैं आटा भी सान कर रख ली हूँ कचौड़ी के लिए, जल्दी से पूरी और भुजिया बना लेंगे। और फिर अभी दूध भी मंगा कर रखे हैं, तो फ्रिज में यहाँ रखे हुए हैं दूध, तो और यहाँ पे दही भी है। तो चलते थोड़ा सा चाय भी बनाएंगे क्योंकि मुझे कचौड़ी के साथ चाय अच्छा लगता है। बाकी तो दही ये रख देते हैं फ्रिज में। तो यहाँ पे तेल गरम हो चुका है, थोड़ा सा मेथी और जीरा का फोड़न देंगे आलू को भुजिया में। और यहाँ पे फोड़न है, तो फोड़न डाल देते हैं। अभी यहाँ पे सब्जी हो रही है और एक साइड में चाय चढ़ा दी है, तो देखिए कितने अच्छे से बन रही है। तो अभी जब सब्जी बन जाएगा उसके बाद मैं जल्दी से पूरी बना लूँगी, तब तक मैं चलती हूँ चाय बन जाता है तो फिर चाय पी लूँगी। और बता दूँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा गर्मी है कि मैं क्या बताऊँ। तो सोच रही हूँ जल्दी से बना लूँ, उसके बाद फिर नीचे जाऊँगी और थोड़ा सा मुझे जो मेरा सामान है, जो अभी मैं कपड़े वगैरह सब धोई हूँ, वो सब मुझे एक पास करना है सारा, तो खाना बनाकर उसके बाद नाश्ता करके उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। कहाँ निकलेंगे वो आप लोग को मैं थोड़ी देर के बाद बता दूँगी। तो चलिए अभी चाय होने देते हैं, बाकी अभी मैं चलते इधर आपको बैक कैमरा से लोकेशन दिखाते हैं घर का। तो यहाँ पे अभी हम जा रहे हैं और आप लोग यहाँ का नहीं, इधर से तो गेट लॉक है, मैं इधर से चलकर आपको दिखाती हूँ आज का मौसम कैसा हुआ है। तो मैं आपको बता दूँ धूप इतना ज़्यादा हो गया है ना, इतना सुबह सुबह धूप। और ये देखिए बैकग्राउंड अभी एकदम बिल्कुल सन्नाटा लग रहा है, लेकिन हाँ है कोई नहीं। और ये देखिए इधर का बैकग्राउंड इतना ज़्यादा, जब हवा चलता है ना या फिर बारिश होती है तो इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना। कल शायद जब हम लोग आ रहे थे तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो अब चलते हैं जल्दी से, रूम में पैर जल रहा है। तो गाइस देख सकते हो भाभी अभी खाना रेडी कर रही है। हाँ। आलू का भुजिया फ्राई हो रहा है और अब इसमें सबसे जल्दी से नमक खा के डाल देते हैं। तो यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। और
उसके बाद हल्दी डाल दे रहे हैं। अभी सब मुझे सब इसमें रखना है बॉक्स में, अब बन जाता है उसके बाद बॉक्स में रख देंगे अच्छे से। अब डालते हैं हल्दी और यहाँ एक साइड में चाय चढ़ा दी है, जो कि चाय पीने का मन हो रहा था। एक साइड में चाय बन रहा है और इधर पूरी के लिए आटा गूंद गया है। हल्दी हल्दी करके रख दिया है काफ़ी, और अब चलते पहले चाय पी लेते, उसके बाद जल्दी से पूरी बना लेंगे। और यही पैक करके शिमला भी ले। तो फाइनली यहाँ पे चाय हो चुका है और चलते चाय पी कर उसके बाद फिर अपना जो काम है वो करेंगे। तो यहाँ पे बाबू है तो मैं बाबू को भी दे दे रही हूँ और चाय तो बच जा रहा है, कोई नहीं आज थोड़ा एक्स्ट्रा चाय पी लिया जाता है। तो फाइनली यहाँ पे अब मैं चाय लेकर आ गई और यहाँ पे मेरा सैंडविच है, जो कि अभी मैं चलती हूँ सैंडविच खाकर उसके बाद चाय पीऊँगी, क्योंकि चाय अभी थोड़ा गर्म है और वहाँ पे खाना हो रहा है। तो अब बस जल्दी से पीकर उसके बाद फिर जल्दी जल्दी पूरी बना लेंगे। तो गाइस यहाँ पे क्या हुआ है ना कि बर्तन जो है वो धुल के रखा गया है और कुछ ऐसे, और ये पे यहाँ पे पूरा जैसे सफाई था वैसे रास्ते जो है एकदम खुश हो गया है कि उसको भी मस्त बन गया है यहाँ पे पूरी सब्जी। और अभी हम लोग, हम और रंजना जो है निकलने ही वाले हैं थोड़े देर में, एक टाइम 5 मिनट तो इसको भी वॉश कर दिया जाएगा। उसके बाद से हम लोग यहाँ से, यहाँ पे सूर्यम बैठे हुए हैं खड़े हैं। तो वैसे तो मौसम भी एकदम ठीक हुआ है तो निकला जाए हम यहाँ से, खाना वाना जो है गाड़ी में ही खाएंगे, देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं। तो कैसा लगा ये पूरा वीडियो आप लोग कमेंट कीजिएगा और खूब सारा प्यार दीजिएगा, बने रहिए। देखते हैं अभी यहाँ से राइस थोड़ा सा बचा हुआ है तो आ गए हम हॉस्पिटल से, सब काम हो गया जितना भी मेरे को वहाँ पे काम था हॉस्पिटल में, और रूम कुछ ऐसा है सब पड़ा हुआ है एकदम मस्त। यहीं पे हम लोग पहले रील बनाते थे पीछे, अच्छा अच्छा एकदम रील आता है, तो वहाँ वाला गेट पे भी अच्छा आता है, वहाँ उधर हवा बहुत एकदम अच्छा आता है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म, नेक्स्ट वीडियो में शायद हम लोग कहीं और होंगे। तो लव यू, बाय बाय।